अच्छा जी, एक और हमारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है। ये है कि अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा केस WSL कंसल्टेंट में है और RP के लिए न्यू अपडेट आई है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है ना RP के टाइम पर लीगलाइज नहीं करवा सकते, और अब जो है बट मेरी 29 अगस्त को RP की अपॉइंटमेंट है, तो अब मैं क्या करूँ। मतलब ये एक अपडेट आई है बेसिकली जो है एम्बेसी की तरफ से, कि आप जब RP के वक्त आप जब जाते थे तो आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता था, अगर वो एक्सपायर हो चुका हुआ है तो वो भी आप साथ में लीगलाइज करवा सकते थे, लेकिन अब जो उन्होंने चेंज कर दिया, अब आप उसको उसके लिए आपको सेपरेट अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये वाला जो है सिनेरियो, ये सब लोगों के लिए है जो नए लोग RP के लिए अप्रूवल के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे उनके लिए भी है, और जो पुराने लोग जिन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ली हुई है उनके लिए भी ये चेंज है। उनको अलग से अपॉइंटमेंट लेके अपनी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है ना उसको लीगलाइज करवाना पड़ेगा। जो पहले वाला उनका हो चुका हुआ, अगर वो एक्सपायर हो गया तो दोबारा से उनको लेना पड़ेगा। अब RP की अप्रूवल के साथ ये जो ऑप्शन पहले अवेलेबल था ये अब ख़त्म हो गया। ये पुराने स्टूडेंट जिनकी अपॉइंटमेंट आ चुकी हुई है या नए जो लेने जा रहे हैं, इन दोनों के ऊपर ये वाला रूल जो है अब इम्प्लीमेंट होगा। तो अब आपने देखना है, अगर आपको भी ये वाला, जब आपके सामने ये वाला प्रोसेस आएगा तो आपने इसको जहन में रख के इस चीज़ को देखना है, अपॉइंटमेंट अलग से आपने लेनी है, देन आपने जाना है।